ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। Thank you.
बच्चों, सुनीति आंटी की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम स्वागत का तरीका नामक कहानी सुनेंगे। बहुत पुरानी कथा है। एक संत थे, लोगों के बीच उनका बहुत सम्मान था। एक बार धर्म प्रचार करते हुए वह एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग अज्ञानी एवं उपद्रवी थे। उन्होंने संत का अपमान करने के लिए जूतों की एक माला बनाई और संत के गले में डाल दी। इस अपमान के बावजूद संत बड़े प्रसन्न थे। वह माला को लेकर जरा भी विचलित नहीं हुए, उल्टे और मुस्कुराते रहे। लोग उन्हें ऐसा करते देख हैरान थे। उन्होंने तो सोचा था कि संत बहुत नाराज होंगे, उन्हें अपशब्द कहेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तब भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, क्या आपको पता है कि यह फूलों की माला नहीं जूतों की माला है? इस पर संत सहज भाव से बोले, मैं तो केवल माला देख रहा हूं, माला फूलों की हो या जूतों की हो क्या अंतर पड़ता है? मैं केवल इतना जानता हूं कि यदि मैं श्रेष्ठ लोगों के बस्ती में जाता तो मेरा स्वागत सत्कार फूलों की माला से होता, और अब चूंकि दुष्टों की बस्ती में आ गया हूं तो मेरा स्वागत जूतों की माला से हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? स्वागत करने का सबका अपना अपना तरीका होता है।
संत की इन बातों से उस बस्ती के लोग बेहद लज्जित हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने संत से क्षमा मांगी। संत ने उन्हें माफ कर दिया। उन लोगों ने संकल्प लिया कि वे विपरीत परिस्थिति में भी संत की तरह धैर्य बनाए रखेंगे और किसी भी हाल में क्रोध नहीं करेंगे। इस तरह संत ने अपने आचरण से उन बस्ती वालों को सुधार दिया। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। जीवन दे दे दया किया।
जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, जीवन प्रार्थना अत्यधिक व्यक्तिगत हो सकती है। आपको अपनी इच्छाओं और जरूरतों के लिए प्रबल रूप से जीवंत बनने का पूरा अधिकार है। निसंदेह परमेश्वर यह योजना बनाता है कि आपकी अधिकांश प्रभावशील विजय दूसरों और उसके राज के विस्तार के लिए हो। फिर भी वो आपसे ये आशा करता है कि आपका स्वागत करता है, कि आप अपनी और अपने परिवार की जरूरतों एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करें। धर्मशास्त्र में इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है। अंधे प्रतिमाएं ने अपनी खोई हुई दृष्टि को पाने के लिए प्रबल जीवन प्रार्थना की। मरकुस 10 में लिखा है, एक स्त्री जो 12 वर्ष से खून बहाने के कारण लज्जित और दुखी थी, अपनी चंगाई के लिए जयवंत प्रार्थना की। लूक 8 अध्याय, एक यूनानी और सुरफीनी जाति के स्त्री ने जयवंत प्रार्थना की, इसलिए प्रभु यीशु ने उसकी पुत्री में से दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला। मरकुस 7:26, याकूब ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए परमेश्वर से जयवंत प्रार्थना की। आप अधिकतर दूसरों के लिए जयवंत प्रार्थना करते हैं। इब्राहिम ने लूत के लिए जयवंत प्रार्थना की। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय 22 और 23 पद, मूसा ने इसराइलियों के अमलकियों पर विजय होने के लिए जयवंत प्रार्थना की। उत्पत्ति 17:8-15, एलिया नबी ने स्वर्ग से आग गिराए जाने के लिए प्रार्थना की। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि आप भी प्रार्थना करें। इसराइली पदभ्रष्ट होने से बच गए। यशायाह और हिजकिय्याह ने सनहेरीब से इसराइलियों को छुड़ाने के लिए जयवंत प्रार्थना की। दूसरा इतिहास 32:20, हमें ऐसी
परिस्थितियों के लिए जीवन प्रार्थना करना चाहिए जिनमें परमेश्वर की इच्छा का खंडन किया जा सकता है। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। मसीह के कार्य में विलंब और बाधाएं ला रहा है। हमें ऐसे लोगों के लिए जीवन प्रार्थना करनी चाहिए जो पाप में लीन है, अंधे होने के कारण अपने लिए प्रार्थना करने में अक्षम अनिच्छुक हो गए हैं। हमें कलीसिया में नई जागृति लाने के लिए जीवन प्रार्थना करना चाहिए। मेरे मित्रों, कुछ शारीरिक, आर्थिक और आत्मिक आवश्यकताओं के लिए जीवन प्रार्थना की जरूरत है। शैतान के द्वारा घर परिवार टूटकर विभाजित हो रहे हैं, जीवन नष्ट किए जा रहे हैं। कलीसियाओं में परमेश्वर के विशेष उत्तर आवश्यक है। हमें कलीसिया और मसीही संस्थाओं की सेवकाओं के लिए जीवन प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने देश की नैतिक और आत्मिक जरूरतों के लिए जीवन प्रार्थना करनी चाहिए। जीवन प्रार्थना के लिए मसीह की कलीसिया के समान प्रसार और परमेश्वर के संसार के समान विस्तार के अवसर है। परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं है जो जीवंत प्रार्थना की क्षमता सीमा से बाहर हो। जीवंत प्रार्थना तीव्र मध्यस्थ प्रार्थना है। उत्तर मिलने तक मेरे दोस्तों लगातार प्रार्थना करते रहना है। कई विचित्र समय में प्रार्थना सिर्फ क्षण भर के लिए जीवित होती है। मीरियम की कुष्ठ रोग से चंगाई के लिए मूसा द्वारा दी गई प्रार्थना अत्यधिक संक्षिप्त थी। हे परमेश्वर, कृपा कर उसे चंगा कर दे। गिनती की किताब पुराने नियम में 12:13। लेकिन मूसा आमने सामने संबंध रखते हुए परमेश्वर के साथ उसकी निकटता में चलता जा रहा था। उसे परमेश्वर की कृपा दृष्टि और कानों का ध्यान पाने के लिए अपने हृदय को तैयार करने की जरूरत नहीं थी। मेरे मित्रों, कि आप प्रार्थना के लिए तैयार हैं? कि आपका जीवन पाप में डूब चुका है? क्या आपका परिवार टूट रहा है? क्या आपके बच्चे दूर चले गए हैं? आप भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं? तो परमेश्वर को पुकारें, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको चंगाई देगा, आपकी आंसुओं को पोछेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम आज प्रार्थना करते खुदावन उन दुखी भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, लाचार हैं, आंसू में खुदावन दुख से ग्रस्त हैं। तू उनके साथ हो। तूने बता कि तू ऐसा परमेश्वर है जो उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे सकता है, क्योंकि तू जीवित है, जिंदा है खुदावन, और तू हमारे साथ है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरी ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। मेरा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्षमा कर जीवन दे दे, दया कर।
जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी, उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।